यूपी के प्रतापगढ़ जिले में टाइनी शाखाओं पर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। टाइनी शाखाओं पर बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है, जिससे टाइनी संचालकों में आक्रोश पनप रहा है। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ जिले के हजगुआ थाना इलाके के बेती के पांडे कपूरवा गांव का है, जहां पर गांव के विपिन यादव ने बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा खोल रखी है। शुक्रवार की शाम वो अपनी टाइनी शाखा बंद कर घर चला गया, तभी देर रात पहुंचे अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर उसमें रखा 10,000 रुपये नकद समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह टाइनी शाखा में चोरी की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। टाइनी शाखा में चोरी की जानकारी होने पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने टाइनी शाखा संचालक से चोरी की जानकारी ली। साथ ही हजगवां पुलिस को चोरी का खुलासा किए जाने का निर्देश दिया। इसके पूर्व चोरों ने बाघरा थाना इलाके के जमलामऊ गाँव निवासी संदीप विश्वकर्मा व कुंडा कोतवाली इलाके के भावनगर ताजपुर निवासी राम कुमार यादव की टाइनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। फिलहाल जिस तरह से प्रतापगढ़ जिले में टाइनी शाखाओं पर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे टाइनी संचालकों में आक्रोश पनप रहा है।